हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रवि ब्लॉग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आज मैं जाने वाला हूँ मथुरा, तो बाय ट्रेन जाऊँगा मैं। तो अभी मैं जगा हूँ, अब जग के क्या नाम है, थोड़ा फ्रेश होने के बाद क्या नाम है, नहा धो के तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ क्या नाम है निकलने के लिए। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि 1 बजे का टाइम है ट्रेन का। शताब्दी एक्सप्रेस है वो, यहाँ से सीधा मथुरा छोड़ेगी। आई थिंक 1 घंटे में पहुँचा देगी वो हमें। तो गाइस चलिए निकलता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ क्या नाम है। अभी तो मैं नीचे उतरूँगा, आई थिंक उधर जाना पीछे उस वाले स्टेशन में जाना है, वहाँ पर आएगी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस। तो गाइस अभी मैं तो अभी नीचे ही उतरूँगा जाकर। तो चलिए, तो गाइस फाइनली आ चुकी है ट्रेन, ये कोटा जाती है। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मथुरा। ये पीछे जो मथुरा स्टेशन, राइट टाइम चली है गाड़ी, मतलब 1 घंटे के अंदर हमें यहाँ पे छोड़ दिया। ये ट्रेन दिल्ली टू कोटा के लिए है। देख सकते हैं आप कितना विकास हो रहा है, एलिवेटर लगा रखी है मथुरा स्टेशन पर। भीड़ है यार, यहाँ हालत ख़राब पड़ी है। तो अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है। तो चलिए, तो गाइस जिस ट्रेन से हम आए हैं उसका नाम था शताब्दी एक्सप्रेस। ये चलती है दिल्ली टू कोटा। मैं क्या नाम है, राइट टाइम आई थी और राइट टाइम छोड़ा इसने, 1 घंटे के अंदर मथुरा छोड़ दिया बल्लभगढ़ से। देख सकते हैं आप, गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर पे। चलिए आगे की बातें आपको पता लगती जाएंगी व्लॉग में। घर के सामने व्यू देखो, हाईवे पे है ये घर, ये सामने जो है ये हाईवे है, दिखाता हूँ सुबह। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर पे। तो मैं ऊपर आया हूं, थोड़ा खाना वाना खाया, थोड़ी जान आई है शरीर में। मैं परेशान हो गया था यार आते टाइम, जाम बहुत है इधर की साइड। तो आप देख सकते हैं मैं छत पर हूँ अपने गांव में, पीछे देख सकते हैं ट्रेन खड़ी है। इधर स्टेशन है ना, क्योंकि ये इधर की तरफ स्टेशन है, इसका नाम है सोनी स्टेशन। तो इसके हाईवे और रोड सामने अपोजिट में रोड है, हाईवे। तो गाइस बहुत अच्छा व्यू है, गाँव का तो आपको पता ही है क्या हाल है, मज़े आते हैं गाँव में। सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फरीदाबाद जैसे, फरीदाबाद ले लो या दिल्ली ले लो, NCR ले लो, सब में बहुत पॉल्यूशन है। इतना यहाँ नहीं है, यहाँ है पर ये नॉर्मल है, वहाँ के बराबर नहीं है। वहाँ बहुत गंदा हो रखा है ज़्यादा इलाका, इसीलिए और अच्छा लगता है गाँव। तो देख सकते हैं फाइनली हरियाली, देख सकते हैं गाँव में कितनी है। ये घर के बाजू में, बैक में देख सकते हैं आप ये रेलवे स्टेशन, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये है रेलवे स्टेशन है। आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हैं सोनी नाम है इसका, सोन दिख रहा है खाली और कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे एक ट्रेन भी खड़ी हुई है, ये मालगाड़ी आई थिंक, मालगाड़ी खड़ी हुई है। तो इसके उधर की मतलब उधर क्रॉस करके जाएंगे तो वो खेत हैं सारे, उधर की तरफ गांव है। और दूसरा ये तो गांव से बाहर, मतलब ये है क्या नाम है, हाईवे है, ये वन वे है, वैसे हाईवे है, बहुत चलता है ये। गाइस फाइनली घर देख सकते हैं, अब ये है घर ताऊ जी का। लाइट ऐसी है जी? हाँ इतनी है बस। सांप का बच्चा कहाँ से आ गया? ये रहा ना सांप का बच्चा, खोलो।
आज अगला दिन है। तो फ्रेंड्स क्या नाम है, अभी मैं जगा हूँ तो सुबह के टाइम बज रहे हैं, आई थिंक 6 बज रहे हैं। तो इस टाइम कोहरा बहुत है यार, टेम्परेचर बहुत डाउन है, मतलब क्योंकि ओपन एरिया है ना यहाँ पे, तो इस वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन है। देख सकते हैं आप कोहरा कितना हो रहा पीछे मेरे, आप नोटिस कर रहे होंगे ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन क्या है कल से ही खड़ी है दोपहर से, पीछे हरियाली बहुत है, हरियाली बहुत है, ठंडा मौसम है। तो गाइस मैं रात में तो एडिट कर नहीं पाया था, अब मैं एडिट करूँगा थोड़ी देर में।